अनुशासनहीन और बर्बर हो सकती है तो सामान्य जीवन में और सार्वजनिक जीवन में इनका आचरण किस प्रकार का होता होगा, हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। प्रदेश के अंदर श्री राज्यपाल सर्वोच्च संवैधानिक संस्था होती है, दलीय निष्ठा से ऊपर हटकर के उनके प्रति सम्मान का भाव, यह न केवल संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है भी तो देश के संविधान के प्रति हमारी निष्ठा को भी व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। अपनी गुंडागर्दी के आचरण से अभी भी बाज नहीं आ पा रही है। जिस तरीके का भद्र और अशिष्ट व्यवहार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने समवेत सदन को संबोधित करते हुए श्री राज्यपाल के सामने किया है, यह उनका आचरण अत्यंत ही निंदनीय है, संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है और लोकतांत्रिक और असंवैधानिक भी है। हम इसकी निंदा करते हैं। इन दलों का यह जो कुत्सित प्रयास है यह इस बात को साबित करता है इनकी लोकतंत्र में निष्ठा नहीं है और यह कैसे संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये दल किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं, किस प्रकार की अराजकता और किस प्रकार की गुंडागर्दी को ये लोग प्रश्रय देते हैं समवेत सदन को संबोधित करते हुए। श्री राज्यपाल के सामने जिस प्रकार का आचरण मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने किया है वह अत्यंत निंदनीय है। संसदीय लोकतंत्र इस प्रकार के असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक प्रदर्शन से तार तार होता है। संसदीय लोकतंत्र की गरिमा इस प्रकार के आचरण से गिरती है। जिस प्रकार से श्री राज्यपाल के प्रति वहां पर नारेबाजी हुई, समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने गुंडागर्दी की हद में जाकर के श्री राज्यपाल पर कागज के गोले उछाले और निशाना लगा करके उन पर प्रहार करने का प्रयास किया गया, यह अत्यंत ही निंदनीय आचरण रहा है। और ये बातें इस बात को साबित करती हैं कि समाजवादी पार्टी